हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम मटर की सब्जी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे। अब उसमें एक छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ही डालेंगे। अब उसमें आधा कप पकौड़ी डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। पकौड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम करीब 100 ग्राम मटर लेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर हम कच्ची मटर लेंगे। मटर को मिक्सी बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। हमने मटर का पेस्ट बना लिया है। अब कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें मटर का पेस्ट डालेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मटर का पेस्ट हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे और खुशबू आने लगे, तब उसे चलाते हुए उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। और तेज गैस करके उबाल लेंगे। अब इसमें 2 मैश किए हुए उबले आलू, 1 फ्राई की हुई पकौड़ी डालेंगे। पकौड़ी पानी में उबलते ही अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर उबाल लेंगे। जब उबाल आ जाए तो गैस कम कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिला लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मटर की सब्जी बन चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मटर की हरी सब्जी दिखने में सुंदर लग रही है। आप इसे पराठे या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।